हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे, द संधी फैमिली व्लॉग्स में। तो गाइस, बस आप बताना मुझे कि आपको व्लॉग्स कैसे लगे, मेरे साथ घूमना कैसा लगा, और जो भी थोड़ी बहुत गलती हुई होगी, हर बार बोलती हूँ, इस बार भी बोलूँगी, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी नया नया मैंने ज्वाइन किया है, तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, ना चाहते भी हो जाती हैं, कभी बोलने में हो जाती है। तो ठीक है, मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी गलतियाँ सुधारूँगी। और तो गाइस, बातें होगी बहुत सारी, और ये है दिन की शुरुआत। न्यूट्री बनाऊँगी अभी, मैं इसको पानी वाली नहीं, बिल्कुल सूखा सूखा बनाऊँगी। तो गाइस, अभी मैं बनाने जा रही हूँ न्यूट्री, बिल्कुल सूखी सूखी बनाऊँगी, और उसमें डालूंगी ये प्याज, और ये प्याज और टमाटर। प्याज मेरे पास ये दो बचे, ख़त्म हो गए प्याज, लेकिन टमाटर हैं, टमाटर कम डालूंगी, प्याज नहीं है, तो प्याज इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा मुझे अभी। तो ठीक है गाइज, बनाते हैं। तो गाइज, जो खाना हम बनाते हैं नॉर्मल फैमिली के लोग, ज़्यादातर यही टमाटर प्याज जीरा डाल के खुश हो जाते हैं, और हमें उसी में स्वाद आता है। तो स्वाद जो होता है वो उस चीज़ का होता है जो हम बना रहे होते हैं, ना कि मसाले का। तो जैसे न्यूट्री है, जब न्यूट्री खाएंगे तो न्यूट्री का ही टेस्ट आएगा, उसमें डलता तो वही नमक मिर्ची टमाटर प्याज है, तो उस चीज़ का स्वाद होता है जो हम बनाते हैं। जैसे गोभी है, तो गोभी में मसाले का टेस्ट बाद की बात है, पहले गोभी का टेस्ट आएगा। तो इसीलिए जो हमारा खाना, जैसे अगर राजमा भी बनाने हैं तो उसमें भी टमाटर प्याज लहसुन ही डलता है, तो राजमा का ही टेस्ट आएगा हमें। तो इसीलिए चीज़ का स्वाद होता है ना, तो मसाले का टेस्ट, मसाला तो हमने उसको इन्हांस करने के लिए डाला होता है, तो इसीलिए जो टेस्ट है वो सारा मेरे ख्याल से उसी चीज़ का होता है जो हम बनाते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकियों का मुझे पता नहीं। तो जैसे अभी न्यूट्री बना रही हूँ, तो न्यूट्री में मसाला सेम, सब सब्जियों में मसाला सेम जाता है, कईयों में तो मैं मसाला डालती भी नहीं हूँ, लेकिन सब्ज़ी तो फिर भी टेस्टी बनती है। तो चीज़ जो भी बनाओ, टेस्ट हमेशा उस चीज़ का होता है। तेल हो गया गरम, उसके बाद हमारे जो रेगुलर मसाले वो जाएंगे, पहले डालूँगी जीरा, और उसके बाद जाएगा प्याज, इसको होने देंगे गोल्डन ब्राउन। तो ये मेरी बन रही है सब्ज़ी। गाइस, मुझे पता है बीच बीच में मेरी वीडियो में आपको एक आवाज़ इरिटेट करती है, वो पानी वाली मोटर जो है वो लगी होती है, तो उसका माइंड मत करना प्लीज़। तो गाइस, यहाँ पे काव्या सुना रही है पोइम। तो काव्या ने खाया है यहाँ पे चॉकलेट, और वो देखी धरा ये खरीद के लाई थी गाइज वहाँ से, इनको और कुछ नहीं मिला, इनको यही चीजें मिली। वे क्या कर रहे हो? पैसे दे रही हूँ। कहाँ पैसे बताओ, मम्मा को पैसे बताओ कहाँ पे। पैसे दे रही हूँ। ये देखो पैसे गाइज, और ये देखिए गाइज, हमारे घर में दो राक्षस आए हुए हैं, इन्होंने वहाँ पे यही चीज़ें खरीदी, इनको मैंने बोला था कुछ अच्छा ले लो, बट ये कहते हैं हमने यही लेना है। और ये देखिए गाइस, और ये अर्पित ने टी शर्ट जो मंगवाई थी वो अच्छी लग रही है उसको डाले हुए। ये धरा, ये अभी उठी है गाइस, सुबह से बोल रही उनको उठने के लिए, लेकिन ये नहीं उठ रहे थे, अभी उठी हैं। और काव्या बोल रही है ये टी शर्ट मैंने डालनी है, तो मुझे काव्या के लिए भी मंगवानी पड़ेगी, धरा के लिए मैंने मंगवाई थी। नो बेटा, तो धरा की टी शर्ट जो है वो अभी रखी हुई है मैंने, अर्पित ने कल मंगवाई थी, तो ऑनलाइन मंगवाई थी अर्पित ने, कहता मुझे यही चाहिए, तो मैंने कहा मंगवा ले, और भी लड़कों ने डाली होती तो एक दूसरे को देख के ही। तो ये देखिए अर्पित क्या बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, सब्जी बन गई है, और अभी नाश्ता करना है। गाइस, अभी खाना वाना बनाया, और बीच में शूट नहीं किया क्योंकि काव्या तंग करती है और घर का काम बहुत होता है। काव्या की बातें आप सुन रहे हो पीछे से। धरा ने खा लिए खाना, अभी ये थोड़ी देर में
कपड़े वपड़े चेंज करेंगे अपने, नहाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल नहलाऊंगी इनको। और काव्या को नहलाना मैंने कल या देखती हूँ आज, नहीं तो कल नहलाऊंगी क्योंकि इसको काफ़ी दिन हो गए नहाए हुए और मैं छोटी है, बीमार ना हो जाए इसी वजह से थोड़ा लेट नहलाती हूँ। गाइस ये देखिए हमारे नन्हे मुन्ने कुछ लेटे हुए हैं, कुछ सोए हुए हैं, बस बच्चों ने इनको ऐसे सेट करके रखा है। काव्या मांग रही है ये और ये, अभी दूंगी इसको, पता नहीं क्या करेगी इसका। काव्या क्या करना बेटा इसका, ये ले। तो काव्या कुछ ना कुछ करेगी। तो गाइस मेरी पूजा हो गई है, तो ये देखिए गाइस काव्या बोल रही है आरती लगाने के लिए, क्योंकि हम अपने गुरुजी की आरती करते हैं। और अब पहले मैं वो उस पर छोटा सा स्पीकर आता है उस पर लगाती थी, वो ख़राब हो गया, अब कह रही फ़ोन में लगाओ। तो काव्या कर रही है आरती, काव्या करो आरती। इधर मेरी तरफ देख के करो, बोलो ओम जय जय जगतारण कर रही हूँ। तो गाइज ठीक है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। इसकी जो काव्या बोल रही बाहर जाने के लिए, कहाँ जाना है इनको बताओ। हेलो करो पहले सबको, हेलो करो, बाय करते हैं, हेलो बोलो, क्या हेलो, हम जा रहे हैं बाहर। तो ये गली में जाने के लिए, अभी गली में जाऊंगी इसको बारिश दिखाऊंगी, बारिश आ रही है ना, बारिश आ रही ना, बोलो हेलो गाइस, पहले पहले बोलो बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, हम देखेंगे, हम देखेंगे, ठंड हो गई है, ठंड हो गई है था। ठीक है गाइस, मैं आई से थोड़ा चक्कर वक्कर लगवा, बाहर आ रही थी बारिश। तो गाइस यहाँ पे काव्या के पापा ले रहे हैं सामान, थोड़ा राशन ले रहे हैं, राशन खत्म हो गया था। तो काव्या ये देखिए, काव्या आ जाओ इधर, चलो बेटा, क्या लिया, क्या करना है। गाइस अभी खाने वाने की तैयारी करूँगी। तो हेलो गाइस, गाइस मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ, जो कि मैं बना रही हूँ ऑलरेडी, मैं शाम का खाना वाना खा के फिर होते हैं फ्री। और बाहर गाइस बारिश आ रही है बहुत तेज, अभी काव्या कुछ बोल रही है, क्या दे दो मुझे, इधर आओ ना देने के लिए, इधर आओ मम्मा पास। काव्या मुझे बर्तन दे रही है, उन्होंने कुछ खाया होगा तो बर्तन अंदर ही रख लिए। काव्या ले आ बच्चे, शोर नहीं मचा, आटा क्या करना तूने। गाइस यहाँ पे काव्या मेरे से हर बार जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो आटा लेके जाती है, उधर जाके ये उसको तहस नहस कर देती है, तो आटे की बर्बादी, दो रोटियों का आटा जो ये अकेली बर्बाद। चलो सो जाओ, काव्या सोना नहीं, नहीं सोना अभी, पानी पी रही हूँ, दूध पी रही हूँ, क्या दूध पी रही हूँ। अर्पित छोड़ दो उसको, छोड़ उसका बैलू ना, काका क्या कर रहे हो, तूने अपनी गुत क्यों खोली, कपड़े क्यों खोले काव्या, इधर कपड़े क्यों खोले अपने, छोड़ो फाड़ना तो बैलून, छोड़ो छोड़, चलो अपनी सीट पे, चलो चलो अपनी सीट, चल जा, चल चलो काव्या जाओ आगे, ये देखो ये लड़ाई हो रही है इनकी। अर्पित काव्या क्या कर रहे हो, ये देखो लड़ रहे हैं। अर्पित मैंने डाल देना ये भी बीच में। हेलो बोलो, हेलो हेलो, वेलकम बैक, वेलकम बैक, पता नहीं क्या बोल रही है काव्या।
तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में, और देखते रहिए हमारे दिसंदी फैमिली व्लॉग्स। तो सारे करो गुड नाइट। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे कल।